इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है कहते हैं ट्रेनिंग में जवान जितना ज्यादा पसीना बहाएगा युद्ध के मैदान में उसका खून उतना ही कम बहेगा ये जो तस्वीरें आपने देखी भारतीय सेना के पसीने बहाने की ये तस्वीरें उसी युद्धाभ्यास की हैं जो चीन सीमा पर भारतीय सेना पिछले काफी टाइम से लगातार कर रही है नमस्कार दोस्तों डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है मेरा नाम है आलो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चिकन कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारतीय सेना अपना पसीना क्यों बहा रही है और क्या इंपॉर्टेंस है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का भारत के लिए इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं भारतीय सेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल एडीजीपीआई इंडियन आर्मी ने पच्चीस सेकंड का एक वीडियो जारी किया और साथ ही बताया कि उत्तरी सीमावर्ती इलाके में भारतीय सेना ने एयरबॉर्न एक्सरसाइज की है जिसमें एरियल इंसर्शन और रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को परखा गया है इस पूरे एक्सरसाइज में एयरबॉर्न ट्रूप्स को एयरलिफ्ट किया गया बड़े पैमाने पर उन्हें पहले से चुने गए इलाके में ड्रॉप किया गया इसमें रैपिड रीग्रुपिंग के जो मानक तय किए गए थे उन्हें हासिल किया गया बेहद अहम टारगेट्स का सर्विलांस और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का मिशन किया गया है पच्चीस सेकंड का जो वीडियो आर्मी की तरफ से ट्विटर पर डाला गया है उसमें पैराटूपर्स विमान में चढ़ते नजर आ रहे हैं फिर वो विमान से पैराड्रॉप के लिए जंप करते नजर आ रहे हैं इसी वीडियो में आगे दिख रहा है कि आसमान में एक एक कर मशरूम की तरह पैराशूट खुलते जा रहे हैं वीडियो में ये जो विमान दिख रहा है वो भारतीय वायुसेना का सी वन थर्टी जे सुपर हर्क्यूलिस है अमेरिका से लिए गए ये विमान बेहद जबरदस्त हैं। वीडियो में दिखता है कि जवानों के सी वन थर्टी जे से छलांग लगाने के बाद आसमान में हर तरफ बस पैराशूट ही पैराशूट नजर आ रहे हैं तो वीडियो में देखकर आपको क्या लगा कि 40-50 पैराटूप होंगे इसमें ऐसी क्या खास बात है अक्सर भारतीय सेना ऐसी छोटी मोटी एक्सरसाइज तो करती रहती है लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं थी और इसमें 40-50 पैराट्रूपर्स नहीं थे बल्कि 600 सौ थे और इन्होंने पैराड्रॉप किया उसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जिसे कहा जाता है चिकन्स नेक इसमें देश के अलग अलग एयरबेस से पैराट्रूपर्स को एयरलिफ्ट किया गया था और जिस जगह का चुनाव इनके पैराड्रॉप के लिए किया गया था वो चीन से चल रहे विवाद को देखते हुए बेहद अहम है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये इलाका सिलीगुड़ी का है ये एल से बेहद करीब है यहीं पर इस वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है क्यों सिलीगुड़ी इलाके को चुना गया इतनी बड़ी एक्सरसाइज के लिए इसे जानना भी बेहद जरूरी है क्योंकि भारत के नक्शे में ये जगह जहां पर है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसकी रक्षा करने के लिए कितनी भी बड़ी कीमत भारतीय सेना को चुकानी पड़ेगी वो चुकाएगी ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है कि इस पर चीन की भी नजर रहती है चीन जानता है कि भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर कितनी और क्यों अहमियत रखता है देखिए हमें यह भी समझना होगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर आखिर हमारे लिए इतना अहम क्यों है? शर्जील इमाम याद है आपको वही जेनयू वाला शर्जील इमाम जिसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में कुछ ऐसा कहा था जिससे आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन कहा जाता है वो हमारे लिए जान से भी ज्यादा कीमती क्यों है पांच लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम परमानेंटली कट कर सकते हैं परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए अभी ये हमारी बात सुने तो अगर हमें आसाम की मदद करनी है तो हमें आसाम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए समझ रहे हैं फौज के लिए और जितने भी जो भी से सप्लाई जा रहा है बंद करो और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है वो जो वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है जाहिर है ऐसा बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है और शर्जील इमाम का यह बयान देश द्रोह वाला ही था अब आप सोचिए कि इस इंसान ने आईआईटी बॉम्बे से एमटेक किया काफी अच्छा पढ़ा लिखा था लेकिन जिस तरह का बयान इसने दिया उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि सोच का अच्छी पढ़ाई से कोई संबंध है नहीं और उसके साथ वही हुआ जो एक देशद्रोही के साथ होना चाहिए खैर वापस लौटते हैं आज के मुद्दे पर और बात करते हैं चिकन की भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है यह पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है इसलिए इसे चिकन्स नेक कहा जाता है नक्शे को अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जिस तरह इसकी बनावट है उसकी वजह से ही इसे चिकन्स नेक कहते हैं क्योंकि यह मुर्गे की गर्दन की तरह भी दिखता है अगर सेना की भाषा में कहें तो चिकन नेक उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जो किसी देश के लिए सामरिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है लेकिन एक तरफ नेपाल है इधर भूटान है नीचे की तरफ बांग्लादेश है और ऊपर तिब्बत है जिस पर चीन का कब्जा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर करीब 60 किलोमीटर चौड़ा है कई जगह तो इसकी चौड़ाई सिर्फ पच्चीस किलोमीटर ही है यह कितनी इंपॉर्टेंट जगह है इस बात का अंदाजा आपको इससे हो जाएगा कि अगर भारत और चीन में युद्ध हुआ तो पता है चीन की सबसे पहली कोशिश होगी इसी पर अटैक करने की सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अटैक करने की उस पर अपना कंट्रोल करने की उस पर अपना कब्जा करने की क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो कनेक्शन है नलैंड यानी भारत शेष भारत से वो टूट जाएगा वो खत्म हो जाएगा संपर्क टूटने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी सेना हमारी मौजूद है वहां पर हम कुछ सप्लाई नहीं कर पाएंगे और युद्ध की स्थिति में सप्लाई लाइन अगर बंद हो गई तो अंजाम क्या होगा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है इसीलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए जान से भी ज्यादा कीमती है यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके पास भारत तिब्बत भूटान का ट्राई जंक्शन है इससे नेपाल की सीमा भी लगती है और बांग्लादेश की सीमा भी साल 2016 में जिस डोकलाम में चीन के साथ हमारा विवाद हुआ था वो जगह भी इसी के करीब है इस पूरे कॉरिडोर में हमने ट्रांसपोर्ट का इंफ्रा भी डेवलप किया हुआ है यहां पर ट्रेन और सड़क का जाल फैला हुआ है ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चीन के किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए इसी सिलिगुड़ी कॉरिडोर का इस्तेमाल हथियार गोला बारूद टैंक मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम्स, दूसरे हथियार और रसद को सीमा पर पहुंचाने में किया जाएगा चीन को भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अहमियत का बहुत अच्छी तरह से पता है और इसी वजह से उसने कब्जे वाली जो तिब्बत का इलाका है कब्जे वाला वहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास उसने अपने सैन्य ढांचे को जो मतलब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है उसे बहुत ज्यादा डेवलप किया है 130 मीटर चौड़ी सड़कें बना ली हैं एयर स्ट्रिप्स बना लिए हैं बाकी दूसरे साजो सामान रखने की जगह बना ली हैं तो इसका सीधा संदेश है कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ही अटैक करेगा और ऐसा यह सब कुछ तैयारी उसकी इसी को मद्देनजर रखते हुए की गई है तो ऐसी ही किसी स्थिति से निपटने की तैयारी में भारतीय सेना लगी है क्योंकि बुरे से बुरे हालात के लिए तैयारी करनी ही पड़ती है अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर आप दुश्मन को धूल नहीं चटा सकते चूंकि उन्नीस में हमारा तैयार ना होना ही हम पर भारी पड़ा था इसलिए भारतीय सेनाएं किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती हैं पिछले दो साल से यानी जब से चीन के साथ एलएसी पर हमारा विवाद शुरू हुआ है तब से भारतीय फौज लगातार युद्ध की तैयारी कर रही है लगातार वॉर एक्सरसाइजेज हो रही हैं चीन को सीधा संदेश दिया जा रहा है कि इस बार तैयारी पूरी है अभी हाल ही में भारतीय सेनाओं ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर भी ऐसी ही ट्रेनिंग की थी लद्दाख में भी इसी तरह की एक्सरसाइज की जा चुकी है गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक्सरसाइज खत्म हुई अभी चौबीस पच्चीस मार्च को उसके बाद चीनी विदेश मंत्री वांगी बिन बुलाय भारत पहुंच गए उन्होंने यहां पर अजीत डोभाल से मुलाकात की जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या जिसे, जिसे हम एनएसए कहते हैं उनसे मुलाकात की उसके बाद वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले और उनकी पूरी कोशिश थी कि वो पीएम मोदी से भी मिलने लेकिन पीएम मोदी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और उनको बिना पीएम मोदी से मिले वापस लौटना पड़ा चीनी विदेश मंत्री वांग ई का इस तरह भारत आना बहुत बड़ा संकेत देता है कि चीन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है क्योंकि आप ही सोचिए कि साल 2020 में लद्दाख में जो कुछ भी हुआ उसके बाद चीन के किसी हाई प्रोफाइल अधिकारी की यह पहली भारत यात्रा थी वो भी बिन बुलाए मतलब साफ है कि जरूरत चीन की है वो भी समझ चुका है कि भारत के साथ संबंध खराब करके रहने का मतलब अपना ही भारी नुकसान करना है इसका पता आपको चीनी विदेश मंत्री के ताजा बयान से लग जाएगा उन्होंने कहा है कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है जो मतभेद हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा देखिए चीन हमेशा से ऐसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता आ रहा है वो एक तरफ विवाद को बढ़ाता है दूसरी तरफ बातचीत करने की कोशिश करके ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए हम बहुत ज्यादा गंभीर हैं बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने में तो यह उसका आर्ट ऑफ वॉर है मतलब युद्ध कला है और आर्ट ऑफ वॉर से याद आया कि एक किताब है इसी नाम से उसे लिखा था कभी चीनी साम्राज्य के सेनापति रहे और मिलिट्री एनालिस्ट उन्हें कहा जाता है उन्होंने किताब किताब लिखी उस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर और उनके राइटर का नाम है सुनजू और चीन चीन इस इस किताब किताब को चीन की जो सेना इस किताब को बहुत तगड़े तरीके से फॉलो करती है आज भी चीनी सेना सुन जू की लिखी किताब द आर्ट ऑफ वॉर को फॉलो करती है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे जरूर पढ़ें क्योंकि इससे आपको चीनी सेना की मानसिकता के बारे में साफ साफ पता चल जाएगा अब तो आप इसे ऑडियो बुक के रूप में सुन सकते हैं ये कुकू एफ पर मौजूद है कुकू एफ ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपको यहाँ पर एक हजार घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी जहां आप इसी तरह की दूसरी कई बेहद अहम ऐतिहासिक किताबों और ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफ पर एक एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है अगर आप कूपन कोड का का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको तक डिस्काउंट मिलेगा यानी की की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर यह की, वो आपको सिर्फ एक सौ निन्यानवे रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी ये ऑफर सिर्फ पहले ढाई सौ यूजर्स के लिए वैलिड है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वापस अपने टॉपिक पे लौटते हैं और बात करते हैं कि चीन ये समझ चुका है भारत ने जो सेना के जरिए भी और डिप्लोमेटिकली भी यानी कि राजनीति के जरिए भी जो चीन को संदेश दिया है उसे चीन बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है और इसकी पुष्टि हुई है जो उसका सरकारी भोंपू है ग्लोबल टाइम्स उसमें छपे कुछ आर्टिकल से अब ये आर्टिकल्स दो आर्टिकल्स मैं आपको दिखाऊंगा ये अभी हाल ही में छपे हैं और उनमें जो कुछ भी लिखा है उससे आपको साफ पता चल जाएगा कि चीन की सरकार का रुख बहुत ज्यादा नरम भारत के प्रति क्यों होने लगा है ग्लोबल टाइम्स में यह उनतीस मार्च को आर्टिकल छपा यानी चीनी विदेश मंत्री के बिन बुलाए भारत दौरे के बाद इसकी हेडिंग को ध्यान से पढ़िए जिसमें कहा गया है कि विदेश मंत्री के दौरे के बाद चीनी कारोबारियों को भारत में निवेश की बड़ी उम्मीदें हैं आर्टिकल में आगे लिखा गया है कि भारत चीन के संबंध सुधरने की उम्मीद है चीनी विदेश मंत्री के दौरे से एक पॉजिटिव सिग्नल गया है दोनों एशियन कंट्रीज के बीच के तनाव पर हालांकि इसे आगे बढ़ने में टाइम लगेगा इसी में आगे चाइनीज ऑफ कॉमर्स के हैरिस का हवाला देते हुए लिखा गया है कि बॉर्डर संघर्ष के बाद चीनी निवेशकों को भारत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लेकिन विदेश मंत्री के दौरे के बाद कारोबारी माहौल को ठीक करने में मदद मिलेगी यानी चीन समझ चुका है कि भारत से संबंध खराब करने का मतलब है अपना बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान कराना और इसीलिए चीन के जो सुर हैं वो नरम पड़े हैं अच्छा भारत भी ये बात समझता है इसीलिए वो इस बार अड़ा हुआ है कि जहां जहां सीमा विवाद है बिना सुलझाए कोई दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया जाएगा कोई संबंध नॉर्मल नहीं किए जाएंगे जब तक सारे सीमा विवाद जहां जहां पर हैं वो हल नहीं हो जाते भारत ने ना सिर्फ सीमा विवाद पर दो टूक जवाब दिया बल्कि ओआईसी की बैठक जो इस्लामाबाद में हुई थी उसमें चीन के कश्मीर पर दिए बयान पर भी सुना दिया भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि उन्होंने चीनी विदेश मंत्री से कहा कि बॉर्डर एरिया में तनाव और भारी सैन्य मौजूदगी के माहौल में दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं रह सकते यानी साफ है भारत अपने रुख पर कायम है और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में भी चीन को भारत की अहमियत समझ में आ गई है क्योंकि इस मुलाकात में अफगानिस्तान और यूक्रेन पर भी चर्चा हुई भारत की जरूरत चीन को क्यों है उसकी झलक चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स के उस दूसरे आर्टिकल में दिखी है जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है इसकी हेडिंग है यूक्रेन संकट में चीन भारत के साझा हित सामने आए यह ग्लोबल टाइम्स का एडिटोरियल है यानी यह एक तरह से चीन की कम्युनिस्ट सरकार का रुख छापा गया है इसमें बताया गया है कि सीमा विवाद के बाद पिछले दो साल में किसी हाई प्रोफाइल चीनी अधिकारी की यह पहली विजिट थी साथ ही यह इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस यूक्रेन विवाद ने दोनों देशों के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट भी सामने लेकर आया है इसमें लिखा है कि चीनी लोग भारत के क्वाड में शामिल होने से नाराज हैं उन्हें यह लग रहा है कि चीन को किनारा करने के लिए भारत अमेरिका की मदद कर रहा है लेकिन रूस यूक्रेन संकट ने दोनों देशों को करीब किया है भारत चीन संबंध अब ज्यादा साफ दिख रहे हैं और यह एक मौका है भारत चीन संबंधों में गर्माहट लाने का यूक्रेन संकट में भारत की भूमिका भी दुनिया के सामने आ गई है भारत ने अपना तटस्थ रुख बरकरार रखा है और इससे रूस को फायदा पहुंचा है भाई अब इतनी पुरानी दोस्ती का ख्याल तो रखना ही पड़ता है भले ही इसमें थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए चीन को भारत की अहमियत कैसे पता लगी चौबीस फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उसी दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की फोन पर बात हुई पीएम मोदी दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने हमले के बाद पुतिन से बात की इसके बाद अब तक कुल तीन बार पीएम मोदी और पुतिन की बात हो चुकी है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी फोन कर पीएम मोदी से युद्ध विराम करवाने की बात कही अगर पिछले कुछ हफ्तों की डेवलपमेंट देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि भारत की जरूरत दुनिया को क्यों हो रही है क्वाड की मीटिंग हुई पिछले पंद्रह दिनों में दुनिया के कई बड़े देशों के नेताओं का भारत आना जारी है बीते इकतीस मार्च को चार बड़े नेता भारत आए ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस रूस के विदेश मंत्री सरगे लावरो मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो केसाबोन और अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह इससे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग ई 25 मार्च को आ चुके हैं जापान के पीएम फूमियो किशिदा 22 मार्च को भारत में थे ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शॉलनबर्ग उन्नीस मार्च को यहां आए ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेडियास 22 मार्च को आए कनाडा के डिप्टी विदेश मंत्री मार्ता मोर्गन 22 मार्च को ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन अल अलबुसैदी और 22 मार्च को ही श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे भी भारत का दौरा कर चुके हैं रूसी विदेश मंत्री का भारत दौरा भी बेहद अहम है और ये बात चीन को भी पता है कि ऐसा क्यों है क्योंकि रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत अगर समझौते की कोशिश करता है शांति करने की कोशिश करता है रूस यूक्रेन युद्ध में तो वो उसका स्वागत करते हैं माम विरोध के बावजूद दूसरी तरफ भारत रूस से तेल खरीद रहा है रूस भी सस्ती कीमत पर भारत को कच्चा तेल दे रहा है रुपीज रूबल में ट्रांजेक्शन का सिस्टम भी करीब करीब पक्का हो चुका है यानी इस वक्त भारत इस संकट के वक्त एक बिग प्लेयर बनकर उभरा है और चीन इसकी अहमियत समझता है इसीलिए उसके रुख में इतनी नरमी आई है जाहिर है चीन अपनी गलती मान चुका है दिख रहा है वो चाहता है कि संबंध दोबारा से पहले जैसे हो जाएं लेकिन इस बार ऐसा होगा नहीं भारत ऐसा होने नहीं देगा भारत इस बार उसको भारत को भी मौका मिल गया है कि भाई इस बार ऐसे नहीं जाने देंगे आपको इसीलिए दो साल से वहां पर तनाव जारी है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो एनालिसिस मैंने की वो एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई होगी और पसंद आई है तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए क्योंकि आप सबको पता है कि सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी वाला वीडियो आपको डिफेंस डिटेक्टिव पर ही मिलता है और उन लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है जो नए आए हैं चैनल पर कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ताजा वीडियो नए वीडियोस देखते रहे तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद